नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के प्लस टू स्कूल और कॉलेजों में इन दिनों एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आप भी अपना एडमिशन करवाने की सोच रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा है जिसके एडमिशन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अब बिहार के प्लस टू स्कूल और कॉलेज में इंटर में एडमिशन की 5,56,880 सीटें अभी भी खाली है। सबसे खास बात यह है कि खाली पड़ी इन सीटों पर स्पॉट एडमिशन का मौका छात्रों को दिया गया है, जिसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब तक आवेदन नहीं करने वाले छात्र ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, स्टूडेंट्स के पास केवल 6 अक्टूबर तक का ही मौका है। वहीं स्पॉट एडमिशन की बात करें तो 7 से 9 अक्टूबर के बीच स्पॉट एडमिशन का काम किया जाएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पटना में भी सभी बड़े कॉलेज और स्कूल की सीटें खाली हैं। पटना में 65,450 सीट रिक्त पड़े हैं। वहीं AN कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ साथ अन्य हाई स्कूल में भी विभिन्न संकायों में सीट खाली है। हालांकि इसमें भी बिहार बोर्ड ने कुछ नियमों को लागू किया है, जिसके तहत स्पॉट एडमिशन में 3 श्रेणी के छात्र एडमिशन में शामिल हो सकते हैं। इसमें वैसे छात्र जिनका चयन थर्ड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, वो छात्र स्पॉट एडमिशन में शामिल हो सकते हैं। वहीं जिन्होंने OFSS में चयन होने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया था, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर भी बोर्ड ने अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत प्रथम इंटर स्तरीय PT परीक्षा में सफल जिन 1218 अभ्यर्थियों का रिजल्ट पिछले महीने ही जारी किया गया है, उनके मुख्य परीक्षा का परिणाम भी BSSC इसी महीने के अंत तक जारी करने वाली है। इस परीक्षा के लिए आवेदन देने की अंतिम तारीख सोमवार ही थी। अब 18 अक्टूबर को इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। रिजल्ट के साथ ही इन अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट, आशुलेखन जांच और फिजिकल जांच को भी जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जानकारों का यही कहना है कि अगले महीने के आरंभ में ही इनकी शुरुआत कर ली जाएगी और मध्य तक इन्हें पूरा भी कर लिया जाएगा। इसमें सफल होने वाले छात्रों की पहले से सफल छात्रों के साथ ही काउंसलिंग होगी और अगले महीने के अंत तक इसके शुरू हो जाने की संभावना है। काउंसलिंग पूरी होने के बाद दिसंबर तक इनका रिजल्ट निकलेगा, जिसके तहत अगर आप भी 12वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं और स्पॉट एडमिशन की इच्छा रखते हैं, तो जल्दी करें, क्योंकि आपके पास केवल सीमित समय है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।